महाराजगंज के विकासखंड निचलोल में वर्चस्व की जंग में फंस कर रह गया पूर्व माध्यमिक विद्यालय भेड़िया और मात्र भवन का ढांचा ही रह गया कायम। कोई लड़ता रहा, कोई झगड़ता रहा, कोई लूटता रहा और कोई लूट पर पर्दा डालता रहा। इसमें किसी का नुकसान हुआ तो उनका हुआ जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा लेना चाहते थे और परिस्थितियों तथा धन अभाव में शिक्षा आगे की ले पाने में अक्षम थे। सियासत भरी इस माहौल में सरकार से कुछ चलकर आया तो कितना जमीन पर पहुंचा यह तो हम भी नहीं जानते, पर हमारा सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि जिस भवन निर्माण हेतु धन आहरित हुआ, भवन बना तो मानवविहीन बनाने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि जिम्मेदारों ने कार्रवाई नहीं किया तो फिर गांव के समाज सेवियों द्वारा उठाया गया मुद्दा, शिकायत, प्रार्थना पत्र दबता क्यों रहा? किसी ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? जांच अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट जब संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया तो अधिकारी चुप क्यों हो गए? हम जिम्मेदार भी माने तो किसे माने, बनवाने वाले को या उस पर सवाल उठाने वाले को, या जांच रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं करने वाले जिम्मेदारों को, जो वर्ष 2009 से जांच की आंच में ऐसा फंसा कि गांव के लोग खिड़कियां तोड़कर घर उठा ले गए। आज सिसवा विधायक ने गांव का दौरा किया और विद्यालय भवन के निर्माण मानकों की अनदेखी पर जिम्मेदारों से सवाल किया तो सबने गोलमोल जवाब देते हुए जल्द मरम्मत कर संचालित कराने का आश्वासन दे दिए, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जांच पर कार्रवाई होगी और जिम्मेदारों से धन की रिकवरी कर कार्रवाई किया जाएगा या निर्माण किया जाएगा? उस समय भी लूटकांड करने वालों कोई संवेदनाएं नहीं जागी थी और आज भी नहीं जागी, ऐसा क्यों है? आप देखें और जानें कि क्या विधायक के दौरे के बाद ही इस तरह के मुद्दों पर कार्रवाइयाँ होंगी, तो विधायक कहां कहां दौरा करेगा और क्षेत्र की विकास कैसे होगी? यदि अधिकारियों की आक्रमणता समाप्त नहीं हुई तो योगी राज में सबका साथ सबका विकास कैसे कायम होगा? और इस सरकार में भी परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर सरकारों के दावों का क्या मतलब होगा? क्या बीजेपी सरकार में भी अफसरशाही हावी है राजनेताओं के आगे? नहीं तो इस तरह आम आदमी के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या वजह है कि आप विद्यालय में चालू कर रहे हैं? होने इसलिए नहीं दे रहे हैं कि 2008-09 में विद्यालय का निर्माण शुरू हुआ, घटिया जब निर्माण शुरू होने लगा तो भी मैंने जांच शुरू कराया उसकी। राम हजूर के जमाने में बेसिक शिक्षा अधिकारी थे, जांच पूरी नहीं होने दिए, कागज को दबाते गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रीकांत सिंह 2012 में जब आए उनके द्वारा बहुजन समाज पार्टी के सरकार में जांच पूरा हुआ, जिसकी कॉपी मेरे पास उपलब्ध भी है, रिसीविंग भी है। उसके बाद पूरा सपा शासन का परिवर्तन हुआ तभी से विधानसभा अध्यक्ष जो है उनके पिताजी और रजनी देवी अध्यापिका द्वारा ज्वाइंट खाता था, ज्वाइंट खाते से निर्माण हुआ है। वह सपा के विधानसभा अध्यक्ष थे, सपा सरकार में जांच को दबाते गए, तब से हम लोग जांच नहीं कराए। अब बीजेपी के गवर्नमेंट आने पर जांच शुरू करा रहे हैं। क्या उम्मीद है इस बार जांच होगी, कार्रवाई होगा कोई? हाँ, योगी जी के सत्ता में निश्चित है कि जांच होगी। अब आज विधायक ने दौरा किया और बीएससी और एबीएसएस उन्होंने बात किया, मरम्मत कराकर विद्यालय संचालित कराने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप करने देंगे या नहीं करने देंगे? नहीं करने देंगे, क्योंकि वो विद्यालय का चूने का पैसा जो 3 साल से 12 से लेकर के 17 तक डम पड़ा हुआ है विद्यालय का, और उसी समय प्रधानाध्यापक ने लिख के दे चुका है कि भेड़िया प्राइमरी पाठशाला में विद्यालय संचालित करने में असमर्थ हूँ, जूनियर हाई स्कूल में मुझे प्राइमरी पाठशाला में संचालित करने का अनुमति दी जाए। जिस वक्त एबीएसएम महोदय ने उनको अनुमति दिया है तब से यह पैसा डम पड़ा हुआ है, पोताई का पैसा है, निर्माण का नहीं है। यह तो खंड शिक्षा अधिकारी अपने लोगों को बचाने के लिए या उनसे पैसा ले अध्यापिका से पैसा लेने के चक्कर में वो चाह रहे हैं कि उसी पैसे से रिपेयर हो। तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ पहला जांच हो, पूरी हो, उसके बाद जो पैसा बैलेंस बचा आया हुआ है चूने का पैसा है 5 साल का, वो पैसे का उपयोग होगा। लेकिन पहले तो जो पिछला पैसा है जो किसकी सामग्री का जो पैसा है वो भी सामग्री नहीं खरीदी गई है, पूर्व एबीएसए ने रिपोर्ट दे चुका है कि वो पैसा खारिज कर दिया गया है लेकिन विद्यालय का सामान नहीं खरीदा गया है, जिसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।
भैया जांच भी हुआ है, जांच रिपोर्ट भी लगी है, लेकिन उसकी कार्रवाई नहीं कर रहे अफसर। नहीं, ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो भेड़िया है, पूर्ववर्ती सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दिया, और हम MLA बने हैं और ये इस गांव की विजिट करके हमने जो देखा और बात किया BSA और ABSA से, उससे पता लगा 3 लाख रुपया इसका अवशेष है मेंटेनेंस के लिए। हमने BSA और ABSA को निर्देश दिया इस पैसे को, इसका मेंटेनेंस करा करके विद्यालय को तुरंत रन कराओ, और विद्यालय में अगर अध्यापक नहीं है तो प्राइमरी स्कूल के 4-5 अध्यापक है उसमें एक की तैनाती कर दीजिए, अटैच कर दीजिए, ताकि विद्यालय काम करे, गरीबों के बच्चे पढ़ाए। इस तरह के आश्वासन कई बार मिले लेकिन अभी तक विद्यालय संचालित नहीं हो पाए। नहीं, हम तो पहली बार आश्वासन दे रहे हैं, पहली बार मिले हुए हैं, और पूर्ववर्ती सरकार की हम लोग जो विरासत में पाए हैं झेलना पड़ रहा है, ये पूर्ववर्ती सरकार की देन है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा के मामले में बहुत संवेदनशील है, और मेरा खुद का एक प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी भेड़िया जूनियर हाई स्कूल जो विद्यालय बिरान पड़ा है उसको संचालित करा दिया जाए। दावे आप इस तरह कर रहे हैं तो कितने दिनों में चालू हो जाएगा? नहीं, अब तो बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक हफ्ते से इसकी, एक हफ्ते के बाद इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये अपने रूप में नजर आएगा। अभी तक इसको किसी ने लिया भी नहीं है, अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है इसका? नहीं, बेसिक शिक्षा लेगा, और बेसिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होती है विद्यालय को रन कराना। जानकारी अभी है कि कुछ अध्यापक यहाँ तैनात है तो वे कभी नहीं, यहाँ जो मुझे बताया गया ABSA द्वारा, कोई परमानेंट अध्यापक यहाँ तैनात नहीं है। 3 साल पहले किसी की समाजवादी पार्टी की सरकार में तैनाती हुई थी, फिर वो ट्रांसफर करा के चरभरिया चला गया। अब इस पर बगल के विद्यालय से हम चाहे हैं, कहे हैं कि निर्देश दिए हैं कि भाई इस पर अटैच करो, विद्यालय चलाओ। आम लोगों में कहना कि विधायक भी आते हैं, दौरा करते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन होती नहीं। नहीं, अभी तो 6 ही महीना हुआ, अभी 6 महीना हुआ, इस देश को 70 साल आजाद हुए हुआ, एक ही परिवार को 70 वर्ष में 60 साल राज्य जनता ने दिया है। अभी हम दोषी नहीं है, अभी तो हम 6 महीना के मेले हैं, लेकिन 6 महीना में जो कार्रवाई करा रहे हैं वो पूरा पूर्ववर्ती सरकार के हमें विरासत में मिला, जो जर्जर व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा को लेकर के, गरीबों को लेकर के संवेदनशील है, और इसमें हर हाल में इस सत्र में पढ़ाई होगी। गांव में रास्ता बंद करवाने और खलियान के विवाद में इंटरफेयर करने का मामला भी यहां पे है। अब छोटे छोटे रास्ते हैं जो गांव पंचायत के हैं, उससे हमारा बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है, गाँव अपने बैठ के समझ लेगा। लोगों का कहना कि एक पक्ष को लेकर आप जो है इसपे कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप किसी पक्ष को लेकर नहीं, हमारी जनता सभी है, हमारा इस गांव में कोई दुश्मन नहीं है, और मैं चाहता हूं अमन चैन रहे। का मामला है जिसमें जूनियर हाई स्कूल बनाया गया था, इस विद्यालय की बिल्डिंग इतनी मजबूत बनी है कि यहाँ कोई भी हेडमास्टर चार्ज लेने से डरता है। यहाँ ABSA ने जांच किया, रिपोर्ट लगाया कि यह बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है, इसमें कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो शुद्ध हो, अच्छे मजबूती से बनाया गया हो, इसलिए आज तक इसमें शिक्षा की व्यवस्था अभाव में चल रही है, यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आज विधायक जी ने दौरा किया है, आप लोगों को क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है, मगर आगे देखते हैं। विधायक जी ने आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंदर इस बिल्डिंग को मेंटेन करा के यहाँ शिक्षा व्यवस्था चालू की जाएगी। विधायक जी के आश्वासन के और दौरे के बाद भी अगर विद्यालय नहीं चलता तो आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, अगर इसके लिए उचित कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे और उच्च स्तरीय जाँच के लिए मांग करेंगे और धरने पे बैठेंगे। किस तरह मांग करेंगे, मतलब मांग करने का तरीका क्या होगा? भूख हड़ताल या मुख्यमंत्री के पास जाके इसकी पर्सनल कंप्लेन करेंगे कि इसकी जांच कराई जाए और उस पर शिक्षा की व्यवस्था लागू चालू किया जाए, जिससे हमारे गांव के बच्चों को दूर दराज में जाकर शिक्षा लेना ना पड़े, वो गांव में शिक्षा प्राप्त करें। 2009 से चल रही है, पूरी अब तक नहीं हुई। ये सपा शासन चल रहा था, सपा शासन के द्वारा के दबाव में विद्यालय की जांच रुकी थी, जिसको जैसे बिल्डिंग ना बन पाई ना मेंटेन हो पाई और फाइल को दबाए रखे गए, इसलिए आज तक शिक्षा नहीं चालू हो पाई। कौन दबाव बना रहा था, कहां से दबाव बन रही थी? वर्तमान प्रधान कई दबाव में विद्यालय, उनके पिताजी के प्रधानी के समय विद्यालय बनाया गया था, उनके और एक टीचर थे उनके खाते से रिलीज हुआ पैसा, बिल्डिंग बनाई गई, बिल्डिंग काफी खराब है और सपा के विधानसभा अध्यक्ष थे, जिसके दबाव में आज तक ना इसकी जांच पूरी हो पाई ना यहाँ शिक्षा लागू चालू हो पाई। अब क्या लगता है आपको? अब व्यवस्था बदली है, योगी का शासन चल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काफी कानून व्यवस्था और शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, इसलिए उम्मीद है कि विद्यालय चालू कर दिया जाएगा। जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।